JUIF के सरबरा मौलाना फजल रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। मुल्क भर में सियासी सूरतहाल पर गुफ्तगु। दोनों रहनुमाओं का KPK में अमन अमान की सूरतहाल पर तश्वीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरतहाल अबतर हो चुकी है। आए रोज़ बदमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरतहाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क भर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरतहाल पर तश्वीश का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वाजे किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमायतों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। दोनों जमायतों के दरमियान कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक हुआ। उन्होंने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद भी कर दिया। असद कैसर और मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर भी मुत्तफिक हुए। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकोनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने वाजह किया कि तजारती सरगर्मियों से खत्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, अवाम को रोज़गार मैसर आएगा। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com। आई दिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।